अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों नॉट मी, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 9 आज का लेक्चर में बोनफ्स का सर की खोपड़ी, उसके मतलब आज डिस्कस होगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, समझें, इंतहाई इम्पोर्टेंट आने वाले लेक्चर्स होते जा रहे हैं। तो खोपड़ी की जो सी हड्डी होती है, सर की खोपड़ी, इंसानी खोपड़ी, बेडोल हड्डियों के मिलने से बनती है। कम मजमूआ होती है, उससे बनती है। इसमें नीचे वाला जबड़ा भी शामिल होता है। ये हड्डियाँ आपस में मुख्तलिफ दर्जों से जुड़ी रहती हैं। सर की हड्डियाँ उनतीस, और इसमें शामिल क्या होता है, खोपड़ी, चेहरा, कान की जो छोटी छोटी हड्डी होती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ, जबड़े की हड्डी भी शामिल है इसमें। अब आगे चलते हैं, हजम अलजिब्बा। फ्रंटल बोन, फ्रंट, पेशानी की हड्डी, दोस्तों ये जो हड्डी होती है सर के अगले हिस्से में आँखों के ऊपर वाक़िया होती है, माथा जिसको कहते हैं। बचपन में छोटे हुए ये हड्डी दो पैल्वी हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये हड्डी पैल्वी हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, और मकाम इतिसाल पर एक दर्ज पाई जाती है जिसे दर्ज मुस्तकीम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हड्डी जो है ना ऊपर की जानब, बलाई जानब, सिंधिया की हड्डी और पहलुओं पर कनपट्टी की हड्डी से मिलती होती है। अच्छा, और जो दर्ज मुस्तकीम के दोनों जानब, दोनों जानब जो टुकड़ों के वस्त में गोल सी बुलंद होती है। अच्छा, जो लोग ज़हीन होते हैं ना, ये उनमें ज़्यादा नुमाया होती है, पता नहीं क्या अल्लाह का निज़ाम है। अब चलते हैं फ्रंटल ट्यूबरोसिटी, पेशानी का उभार। पेशानी की दर्द के दोनों तरफ
दरमियान में सेंटर में गोल उभार होते हैं। वो पेशानी का उभार होता है। अब कोशिश करो, हब जबीहा उसके जो कहते हैं नीचे की जानब जहाँ भूमों के बाल लगते होते हैं ना, भूमें एक उभरा हुआ खत होता है, लकीर तो ना जो अंदरूनी जानब अंदर की तरफ चौड़ा वाजे और बैरनी जानब पतला सा और कम नुमाया कोस या जब भी कहते हैं। ठीक हो गए दोस्तों, तो इसकी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी, अगर नहीं समझ आती तो आप इसकी पिक्चर से भी देख सकते हैं, वाजिब हो सकता है आपको। अब ये कहाँ पे होता है, ज़ाइद अनफिया, ज़ाइद अनफिया नाक है ना, इसकी दो हड्डियाँ इसके वस्त में एक ज़ायदा मौजूद होता है। के सेंटर में मौजूद होता है, इसको ज़ायदा अनफिया कहते हैं। अच्छा, जो नीचे से और सामने की जाना पड़ता है, ज़ायदा अनफिया की एक नोकदार खार में ख़त्म होता है, इसके एंड यहाँ पड़ता है। ठीक हो गया, नाक मतलब इतिसाल मुफसली, ये पेशानी की हड्डी सर के चार और आठ चेहरे की आठ हड्डियों से ये मिलकर बनती है। मजमुआ किन का होता है, पेशानी हड्डी, पेशानी हड्डी सर की चार और चेहरे की आठ हड्डियों से मिलती है। पेरिटल अजमे या फोर जिनको ये वाले नाम याद हैं वो ये याद करें, जिसको इंग्लिश में नाम याद हैं वो इंग्लिश में याद करें, जो अच्छा लगे जो समझ में आ जाए। चिंजी गड्डियाँ तादाद में दो होते हैं, तादाद
तादाद दो होती है। खोपड़ी की छत बनाती हैं। कुछ जानवी हिस्से बनाने में भी हिस्सा लेती होती हैं। ये दोनों हड्डियाँ पेशानी की हड्डी के पीछे और गुद्दी की हड्डी के आगे और कनपट्टी की हड्डी के दरमियान में वाक़ होती हैं। अच्छा, इनमें हर एक जो हड्डी होती है बेडोल शक्ल की होती है, यानी कि कोई शक्ल नहीं उसकी, ज़िगज़ैग। इसमें दो सतहें चार किनारे चार गोशे होते हैं। इसमें दो सतहें चार किनारे चार गोशे होते हैं, ठीक हो गया। चिंदिया की हड्डियाँ तादाद में दो होती हैं। खोपड़ी की छत बनाती हैं। कुछ जानवी हिस्से बनाने में भी हिस्सा लेती हैं। ये दोनों हड्डियाँ पेशानी की हड्डी के पीछे होती हैं, गुद्दी की हड्डी के आगे होती हैं, कनपट्टी की हड्डियों के दरमियान में वाक़ होती हैं, और इनमें हर एक हड्डी बेडोल शक्ल की होती है। इनकी शक्ल क्या होती है? बेडोल। अच्छा, इसमें दो सतहें चार किनारे चार गोशे होते हैं, ठीक हो गया। अब बैरूनी सतह, ये सतह चिकनी और चिकने वाली और महद्दब होती है। इसके वस्त में एक उभार होता है जिसको हदबा फोनिया या चिंदिया को उभार कहते हैं। हदबा या फोनिया या चिंदिया इसको उभार कहते हैं। इस मकाम पर हड्डी निस्बतन मोटी और मज़बूत होती है। हड्डी क्या होती है? मोटी होगी और मज़बूत। उभार के नीचे कनपट्टी का, जो कनपट्टी सर की होती है, उसका बालाई खत होता है। इससे कनपट्टी की अज़ला की झिल्ली लगती है। इससे ऊपर कनपट्टी का अज़ला लगता होता है, ठीक हो गया। अब अंदरूनी सतह, अंदर की जानब, ये सतह मकर है। इस पर कसरत से नशीब अफराज और कई नालियाँ होती हैं। किनारे, इस हड्डी में बलाई व जेरी अगले और पिछले चार किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब बालाई वर्ग ऊपर बोला अपर किनारा, ये सबसे लंबा भी होगा और मोटा किनारा भी होगा। इसमें दंदे टाइप होते हैं। ये अपने मुकाबल की हड्डी के साथ मिलकर दर्ज बना देता है, ठीक हो। अब नीचे बोला जेरी किनारा, ये तीन हिस्सों पर तकसीम या हिस्सों पर मुश्तमल है। अगला हिस्सा वत दी हड्डी के बड़े बाजू से ढक रहता है। छोटा हिस्सा पतला होता है और नोकदार होता है, ठीक हो गया। अब पिछला हिस्सा, ये क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होगा, मोटा होगा और दंदानेदार, दंदानेदार। अब ये तो हो गया पिछला हिस्सा। अब इसके बाद होगा पिछला किनारा। ये किनारा भी दानेदार, दंदानेदार। इसके दंदाने ज़्यादा नुमाया होते हैं। ये गुद्दी की हड्डी से मिलता है, पीछे गर्दन में जो होती है उससे मिलता है, ठीक हो गया। अब ये लफ्ज़ है इतसाली मुफस्सरी,
ये हड्डियाँ 5 हड्डियों से मिलती हैं। जिनमें से कुछ बता देता हूँ। नंबर 1 बुद्धि, पेशानी, कनपटी, वतदी, ठीक हो गए। बाकी दोस्तों आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद जो रह जाएगा इसका फ्रंटल बोन का सामने के मनाज़र और मज़ीद इसकी कितनी हड्डी पाई जाती हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों देखते रहे हमारे चैनल को और सब्सक्राइब लाजमी किए करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, लाइक भी करें शेयर भी करें और बेल आइकन के लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बिला तागीर पहुँचे। दोस्तों समझते रहिए, अल्लाह का हामिना।